हेलो वेलकम बैक, यू आर वाचिंग मैथमेटिक्स क्लास ऑन एक्सरसाइज एक्सपेंशन। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज रिटन हियर ऑन द व्हाइट बोर्ड, इफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस 2√6, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स। तो आपको ये समझना है कि देखो, रूट ओवर एक्स का मतलब होता है कि अगर मैं एक्स हटा दूं तो हाफ पावर बन जाएगा, क्लियर हो गया। आपको आपको इसका वैल्यू दिया है, एक्स का पावर दिया है, लेकिन यहाँ पर रूट ओवर एक्स लिखा हुआ है। आप इसको करोगे क्या, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन गिवन एक्स इक्वल टू 5 माइनस 2√6। इसमें आपको दिमाग में रखना है कि ये जो रूट ओवर एक्स है, इसको हम अगर एक्स में, इसको अगर हम एक्स में लाना चाहेंगे तो मतलब 1/2 को इंटू 2 करेंगे तभी तो आएगा। इसका मतलब क्या करना पड़ा मेरे को, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इसको जो मेरे पास दिया है, जो मेरे पास निकाल, जो मुझे निकालना है, इसी को हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ले लेंगे। अब इसमें हम ये नहीं लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या बनता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, आप देखोगे ये हमारा कट जाएगा। अब आप देखो ये हमारा x आ गया, ये हमारा 1/x आ गया, ये हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x, अभी हमें x का वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है ये 1/ फ्रैक्शन में बन जाएगा। अब आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि जो फ्रैक्शन में है वो भी इरेशनल नंबर में आया, ये वाला जो भी इरेशनल नंबर में आएगा ना, उसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग, को मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। देखो पहले, और अभी और मेरा सवाल है, ये जो 5 है प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 माइनस 2√6। अभी जो बचा है वो ये बचा जिसमें मैंने ग्रीन सर्कल का मार्क किया है, इसको हम करेंगे क्या। मैंने आपको बोला कि जब नीचे रूट में है, जब भी नीचे रूट में होगा इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टराइजेशन। क्या साइन था इसमें, माइनस, तभी हमने क्या किया यहाँ पे प्लस दिया, अगर प्लस होता तो हमें माइनस, मेरा साइन उल्टा हो जाता। ओके, अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखो जब आप ऐसे करते हो ना, आपको दिमाग में रखना है कि ऊपर वाला देखो ये 1 है, जब आप इसको इंटू करोगे तो यही तो आएगा, है ना। चलो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, नीचे के क्या फॉर्मूला बनता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए। तो इसका ये हमारा क्या है, प्लस ये ब्रैकेट खोल दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 माइनस 24 खुल जाएगा। अब देखो और प्लस 5 प्लस क्या, ये पर इसमें ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे अगर माइनस साइन होता तो ये ब्रैकेट बना लेता तो साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता। ये आपको थोड़ा लॉजिक समझना है, ठीक है ना बेटा। अब देखो माइनस प्लस माइनस कट गया तो कितना आ गया, तो ये किसका आंसर आया, अच्छा अभी आंसर नहीं आया, अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। अगर हम इसको स्क्वायर हटा दें क्या बन जाएगा, रूट ओवर, तभी मेरा क्या आंसर आ जाएगा, देखो 2√3 बन गया। इस तरह से क्या करना है, हमें सवाल करना है, कोई हार्ड नहीं है, बस खाली आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको क्या निकालेंगे,
आंसर निकालेंगे तो बहुत ही आसान है, बस खाली इतना दिमाग में रखना कि पावर बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग या तो क्यूबिंग। अगर घटाना होगा तो फिर जो आपका फॉर्मूला है वही फॉर्मूला अप्लाई करके आप सवाल कर सकते हो। एंड यू हैव टू डू एट होम, ओके, आई होप सो यू विल डू इट, सो होप यू यू विल डू बेटर एट होम, ओके, देन सी यू, बाय बाय।